नन्ही नन्ही जलेबियाँ तो बहुत देख ली। आज मैं आप लोगों को अमृतसर में दिखाऊंगी बड़ा सा जलेबा, बहुत बड़ा होने वाला है। जल्दी से चलो और बनवाते हैं। मुझे लगा था ना मोटी मोटी होंगी, लेकिन ये तो बड़ी बारीक बारीक इसको रोल एंड रोल किया जा रहा है। अरे और दोस्तों पता है आपको, ये ना देसी घी में रहने वाली है। अच्छा आप लोग सोचोगे इसका प्राइस क्या होता है, इसका ना प्राइस वेट के अकॉर्डिंग होता है। जितना ज़्यादा वेट उस हिसाब से अंकल जी आपको प्राइस लगा के बता देंगे। और देखो कितना सुंदर पैटर्न बना रहे हैं। वीर जी आपको कितना टाइम हो गया ये बनाते हुए? मेरे को 30-35 साल हो गए यही। हाँ जी। अच्छा जलेबियाँ तो आपने बहुत बनाई, हमारे सामने आपने बहुत जलेबियाँ बना चुकी है, लेकिन ये कितनी बार बनाते हैं आप? मैडम ये तो ऑर्डर पे बनता है। ये ऑर्डर पे बनता है? क्या बात। जो कस्टमर की कस्टमर जो कहेगा वही करेंगे हम। और बड़ा हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। ये पैक हो जाता है? हाँ ये तो पैक हो जाएगा। अच्छा। इसको पैक कर देंगे हम ऐसे ही। नहीं इतना ही बड़ा रहने दीजिए, जितना पैक हो जाए ना, जितना आप बना सकते हैं उतना ही। ये नहीं कि हमारी वीडियो के लिए कुछ अलग से, लेकिन गाइस ये ऑर्डर पे बनता है और इसका कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है। तो पूरा बना देंगे। जी जी जी। अगर टुकड़े के लिए चार्ज नहीं है इतने बड़ी। नहीं नहीं बड़ा बर्तन चाहिए ना, आगे भी तोड़ना पड़ेगा वो, उसका आगे बड़ी कढ़ाई चाहिए। जी 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 सही बात है। दोस्तों हम लोग आए हैं आज रमेश शर्मा जी स्वीट शॉप पे, लॉरेंस रोड पे, अमृतसर की बड़ी ही फेमस दुकान है। तो इसके साथ साथ ना आपको यहाँ पे गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिलेंगे और ना बटन वाले गुलाब जामुन भी मिलेंगे छोटे छोटे। दोस्तों जल्दी से ना टैग कर दो उन लोगों को इस वीडियो में जो मीठे के बड़े ही शौकीन है, वो तो इसे देखकर ना पागल हो जाएंगे इस वाली जलेबी को स्पेशली। टाइमिंग्स रहती हैं सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। आपको यहाँ पे ऐसे अंकल जी जलेबियाँ बनाते हुए, मालपुए बनाते हुए, गुलाब जामुन बनाते हुए दिख जाएंगे। अमृतसर आके ना मज़ा आ गया, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी आइटम खाए ना वो देसी घी में है। ओए ओए। बाप रे देख रहे हो कितने सही तरीके से भैया जी ने एक ही बारी में इतनी बड़ी जलेबी को पलट दिया। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, अगर कोई और होता ना टूट जाती वो तो बीच से। और यार कितनी बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है। और ना जो भी ना इस जलेबी को जलेबा को लेने आए ना, भाई हैचबैक नहीं चलेगी इसके लिए, चार बंदे नहीं चाहिए, एसयूवी कम से कम भाई 6 बंदे चाहिए। ये अब अपना तैयार है चाशनी में डुबकी मारने के लिए। ओए ओए अच्छे से, और कलर कितना प्यारा आया है, मतलब ऑरेंज कलर की जलेबी क्या होता है ना, कहीं जगह कलर डालते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से सिकी है कि अब टास्क होगा ये पैक कैसे होगी। ओए होए अब होगी ये पैक। ये जी देखिए सिंपल तरीका ये आ गया भाई। आज की वीडियो देख के ना मजा ही आ गया होगा आप लोगों को। तो वैसे जलेबी का ना ये साइज रहता है, क्या मजा नहीं है ना हमारे लिए, चलेगी नहीं वो जब तक वो ना आया तो हमारे पेट की तरह बड़ा बड़ा। और ये हमने अपना थोड़ा सा इसमें से तोड़वा लिया, इतना बड़ा तो ऑब्वियसली मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। ये जी पत्तल में आपको मिलेगी गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी। ये देखिए और पीछे ना लोग देखो, आप लोग अच्छे खासे लाइन में पैकिंग कराने के लिए आए हुए हैं। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी पतली पतली देसी घी की पतली पतली क्रिस्पी मजेदार। अमृतसर में मीठा खाने का मन करे ना भाई, रमेश शर्मा जी की एक बार जलेबी खाना, खुद पैक करा के ले जाओगे। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो मीठे के तो फैन है। ऐसे तो मेरी लाइन में तो मैं अगर शेयर करने लगी ना सौ दोस्त है मेरे ऐसे।